एवरीवन, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल नूडल्स। जिसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 2-4 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई। फिर हम उसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। फिर आप अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने ली है 1 गाजर, शिमला मिर्च 1, 1/2 कटोरी बारीक कटी हुई बीन्स और 1 कटोरी पत्ता गोभी। आप अपने चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स ले सकते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल हो। फिर इसको हम चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। नूडल्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, इट्स अ फास्ट फूड, तो हम सारा काम अपना मीडियम हीट पर ही करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। मैंने थोड़ा सा 1/2 चम्मच सॉल्ट डाला है ताकि वेजिटेबल्स अपना वाटर छोड़ दें। अब फिर हम इसको 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। और हम इसको बहुत अच्छे से कुक नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें आधा ही कुक करेंगे। बाकी ये नूडल्स, जब नूडल्स डालेंगे उनके साथ भी हमारी वेजिटेबल्स कुक होती रहेंगी, पकती रहेंगी, तो अभी हमें पूरा इनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी, मैंने 2 बारीक मिर्च काटी हुई हैं। आप अपने जितना तीखा खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मिर्च। मिर्च को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स जो मैंने पहले से बॉईल कर ठंडे पानी से धोकर इसमें और अच्छे से ऑयल ग्रीस किया हुआ है। ऑयल ग्रीस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे नूडल्स आपस में चिपकेंगी नहीं। पहले इन्हें हम बॉईल करते हैं गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में वॉश करके ऑयल डाल के ग्रीस करते हैं। 1 मिनट वेजिटेबल्स के साथ में नूडल्स को भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। मैंने 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम सॉल्ट डालकर इसको अच्छे से नूडल्स को मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें अपने सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच सोया सॉस, फिर हम डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस लिया है, आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लहसुन का पानी, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन का पानी बनेगा कैसे, आप अराउंड 10-12 लहसुन की कलियों को खींच कर उसमें कटोरी भरकर 1-2 घंटे के लिए रख लीजिए। फिर हमारे सारे सॉस मिक्स करके, सारे सॉसों के साथ हम इसको मिक्स करके अपनी वेजिटेबल्स को अनदर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटो सॉस 1 चम्मच। आप टमाटो सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच टमाटो सॉस डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर स्प्रिंग अनियंस डालकर फिर हम इसको अराउंड 20-30 सेकेंड्स के लिए फिर से कुक करते हुए, चलाते हुए कुक करते हुए, ताकि स्प्रिंग अनियन अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको अपने बाउल में निकालें। हमारी नूडल्स बनकर तैयार हैं। थैंक यू।